डियर स्टूडेंट्स आई वेरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टुडेज लेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द नेक्स्ट टूल ऑफ स्ट्रेटजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज द जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल या फिर हम इसको जी ई नाइन सेल मॉडल के नाम से भी जानते हैं द जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल डेवलप बाय जी ई विद द असिस्टेंस ऑफ द कंसल्टिंग फॉर्म कंपनी

और इसके बेसिस पर इस मॉडल को डेवलप किया गया था एक तरीके से ये जो जी मॉडल है वो बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के बिल्कुल सिमिलर है या फिर हम ये कह सकते हैं कि बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स को एक्सटेंड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ जी मॉडल हालांकि कुछ डिफरेंसेस हैं पहला डिफरेंस है कि जहां हमने बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में मार्केट ग्रोथ को कंसिडर किया था इस मॉडल में हम मार्केट अट्रैक्टिवनेस को कंसिडर करेंगे और दूसरा हमने बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स में मार्केट शेयर को कंसीडर किया था यहां हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को प्रॉपरली फोकस करेंगे उसके बेसिस पर मैट्रिक्स को डेवलप करेंगे एक तरीके से जो जी ई नाइन सेल मैट्रिक्स है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी टूल को डिफाइन करता है जिसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फोकस करते हुए कोई भी मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज अपनी वेरियस बिजनेस यूनिट के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को डिसाइड कर सकती है प्योरिटी बेसिस पर इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली अरेंज कर सकती है ये एक वो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के पोर्टफोलियो को प्रॉपरली इवेलुएट करता है और फिर एक फर्दर स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन भी प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है हर एक बिजनेस को टू मेजर डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अप्रेज किया जा सकता है द वेरी फर्स्ट डायमेंशन इज द मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड सेकेंड वन इज द बिजनेस स्ट्रेंथ तो ये दो मेजर डायमेंशन लिए गए हैं इसके बेसिस पर कोई भी बिजनेस या कोई भी एंटरप्राइज अपने प्रॉपर बिजनेस पोर्टफोलियो को अप्रेस कर सकता है उसको प्रॉपरली इवेलुएट कर सकता है दोनों में से हमें किसी फैक्टर को मिस नहीं करना है अगर एक फैक्टर मिस हो जाता है तो उस केस में जो बिजनेस है वो डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाने की कंडीशन में नहीं होगा मान लीजिए कि एक कंपनी है जो बहुत स्ट्रांग है लेकिन अगर वो अन मार्केट में ऑपरेट कर रही है तो फिर उसको कुछ भी अचीव नहीं होगा या फिर अगर मैं एक वीक कंपनी की बात करूं जो एट्रैक्टिव मार्केट में ऑपरेट कर रही है तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगी वो किसी भी तरीके से एडवांटेज को गेन नहीं कर सकती है तो इसी पर्टिकुलर बेस को फोकस करते हुए हम यहां जी ई नाइन सेल के रिगार्डिंग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि, कि किस तरीके से इसके बेसिस पर बिजनेस पोर्टफोलियो को इवेल्युएट किया जा सकता है तो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे कि GE9 ई नाइन सेल मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है so, so, तो अस हैव अ लुक ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ GE9 ई नाइन सेल मैट्रिक्स सो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ जी ई नाइन सेल मैट्रिक्स तो यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ कोर रिप्रेजेंट किया है इसके रिगार्डिंग मैंने तीन पैरामीटर्स लिए यहाँ पर दैट इज स्ट्रॉन्ग एवरेज और वीक इसी तरीके से इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में वर्टिकल एक्सेस पर इंडस्ट्री एट्रेटिवनेस को डिफाइन किया गया है और इसके रिगार्डिंग भी तीन पैरामीटर लिए गए हाई इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस मीडियम एंड लो इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस अब यहाँ पर आपको तीन पर्टिकुलर एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं या तीन जोन हम इसे कह सकते हैं द फर्स्ट वन इज द ग्रीन जोन सेकेंड वन इज द येलो जोन एंड थर्ड वन इज द रेड जोन और ये तीन जोन तीन अलग अलग टाइप की स्ट्रेटी को डिफाइन कर रहे हैं जब इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस हाई है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी हाई है या स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में ग्रो की स्ट्रेटजी है ऐसे ही जब इंडस्ट्री एट्रेकटिवनेस मीडियम है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है तो भी ग्रो की स्ट्रेटजी है इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस हाई है बिनेस यूनिट स्ट्रेंथ एवरेज है फिर भी ग्रो की स्ट्रेटजी है तो ये तो तीन पर्टिकुलर एरियाज हैं ये ग्रीन जोन को डिफाइन करते हैं जो ग्रो स्ट्रेटजी की तरफ इंडिकेशन देते हैं ऐसे जब हम मत करते हैं जब इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस मीडियम है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एवरेज है तो यहां पर आपका येलो जोन आ गया जो होल्ड स्ट्रेटजी को डिफाइन कर रहा है या इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस हाई है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ वीक है तो भी होल्ड है और अगर इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस लो है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो भी होल्ड की स्ट्रेटजी है और बाकी जो केसेस बचे इनमें रेड जोन यानी कि हार्वेस्ट स्ट्रेटजी को फोकस किया जाता है तो कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन को यहां अपने पर्टिकुलर एस बी यू को पोजिशनिंग प्रोवाइड करनी है एज पर इट्स स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री एटेक्टिवनेस और उसके बेसिस पर डिसाइड करना है वेदर इट मस्ट गो फॉर ग्रीन जोन येलो जोन और रेड जोन और वी कैन से इट मस्ट गो फॉर ग्रो स्ट्रेटजी होल्ड अप स्ट्रेटजी और हार्वेस्ट स्ट्रेटजी दैट इज क्लियर अब हम बात करते हैं वर्टिकल एक्सेस की इसको हम और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मैंने बताया था आपको जो वर्टिकल एक्सेस है वो इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस को इंडिकेट करती है अब इंडस्ट्री एट्रक्टिवनेस है क्या इट इंडिकेट्स हाउ हार्ड और इजी इट विल बी फॉर अ कंपनी टू कम्पीट इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट्स इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस का मतलब है कि अगर कोई कंपनी इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है तो इसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा या कितना ज़्यादा आसान होगा प्रॉफिट को अर्न करना इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी वो उतनी ही ज़्यादा एट्रैक्टिव होगी इसका मतलब जब हम इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस को इवेल्युएट करते हैं तो उस समय जो भी एनालिस्ट हैं उनको ये देखना चाहिए कि लॉन्ग पीरियड में इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी के केस में किस तरीके से चेंज आ रहे हैं तो नियर फ्यूचर को फोकस न करते हुए लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी को प्रॉपरली चेक करना प्रॉपरली एनालाइज किया जाना चाहिए जब हम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की बात करते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट की डिमांड करता है और इसी वजह से हमें नियर फ्यूचर को फोकस न करते हुए लॉन्ग रन के बेसिस पर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाना चाहिए इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस को चेक करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है कौन कौन से हैं ये फैक्टर्स सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि लॉन्ग रन ग्रोथ रेट कितना है दैट मस्ट बी एनाइज बाय द एनालिस्ट इन रिगार्डिंग ऑफ द इंडस्ट्री कि उस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग रन ग्रोथ रेट कितना है इंडस्ट्री का साइज कितना है यानी कि टोटल डिमांड कितनी है मार्केट में या टोटल डिमांड फ्यूचर में कितनी हो सकती है उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग ये भी प्रॉपरली कंसिडर किया जाना चाहिए इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक किया जाना चाहिए एंट्री बैरियर्स क्या है एग्जिट बैरियर्स क्या है सप्लायर्स पावर्स क्या है बायर्स पावर्स क्या है या सब्सिट्यूट्स के क्या क्या थ्रेट्स हैं इसके लिए पॉटर्स फाइव फोर्स मॉडल को प्रॉपर्ली यूज किया जा सकता है और उसके बेसिस पर इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस को एनालाइज किया जा सकता है इसके साथ साथ इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को भी प्रॉपरली एनालाइज किया जाना चाहिए जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरीके से होंगे इनको भी प्रॉपरली आपको एस्टिमेट किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ डिमांड में क्या चेंजेस हो रहे हैं इसको भी प्रॉपरली एनालाइज किया जाना चाहिए इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस को मेजर करने के रेफरेंस में बिसाइड्स दिस ट्रेंड ऑफ प्राइजेस मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स सीजनलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड मार्केट सेगमेंटेशन इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को भी प्रॉपरली कंसिडर किया जाना चाहिए जिसके बेसिस पर इंडस्ट्री की एट्रेक्टिवनेस के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन को गेन किया जाना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के द्वारा दैट इज क्लियर अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में होरिजेंटल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस के अला जो मैट्रिक्स है वो मेजर करती है कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस कितनी ज़्यादा स्ट्रोंग है यानी कि अगर मैं किसी भी फॉर्म को उसके रेवल से कंपेयर करता हूँ तो उस कंपेरिजन में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज कहां स्टैंड करती है कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितनी ज्यादा वीक है इसको हम एक्स एक्सिस के मेजर करते हैं या दूसरे शब्दों को हम कह सकते हैं कि जो मैनेजर्स हैं दे ट्राई टू डिटरमाइन वेदर अजनेस यूनिट हैजटेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और नॉट क्या आपके पास एक सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है या नहीं है इसको properly determine किया जाता है by the managers. So that is the business strength. Business strength को determine करने के लिए जो business managers हैं उनको कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स को consider किया जाना बहुत जरूरी है जिसके बेसिस पर वो पता कर सकते हैं कि competitor, competitors के कंपेरिजन में एंटरप्राइज कहाँ स्टैंड करती है क्या उसके पास प्रॉपर सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव advantages available हैं या नहीं है इसके रिगार्डिंग पहला फैक्टर है टोटल मार्केट शेयर कंप्लीट मार्केट शेयर कितना है हाउ मच मार्केट शेयर कैन बी कैप्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ साथ राइवल्स के कंपेरिजन में मार्केट शेयर ग्रोथ को किस तरीके से कैप्चर किया जा सकता है बाय द एंटरप्राइज उसकी ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या है वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ब्रांड इन कंपेरिजन ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर ऐसे कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं ब्रांड में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड्स में या प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं हैं वो यूनिक फीचर्स आपको डिफाइन करने होते हैं एनालाइज करने होते हैं ऐसे ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लेवल क्या है करंटली कंपनी वर्किंग में है तो करंटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसका लेवल क्या है उसके रिगार्डिंग जो कस्टमर्स हैं जो अटैच्ड हैं जो करंटली उसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं उनकी लॉयल्टी या उनका लॉयल लेवल क्या है इसके साथ साथ वी आर आई ओ रिसोर्स और कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली चेक किया जाता है और इसके लिए वी आर आई ओ फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है जिसके बेसिस पर कंपनी अपने रिसोर्सेज या कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली एनालाइज कर सकती है इंडस्ट्री की क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को मीट आउट करने के लिए आपके बिजनेस यूनिट की क्या स्ट्रेंथ है इसको आपको प्रॉपरली डिटर्माइन करना होता है इसके साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन है उसका लेवल क्या है यू हैव टू जस्ट एनालाइज द लेवल ऑफ योर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी किस लेवल पर है यानी कि अगर मार्केट में चेंजेस होते हैं इंडस्ट्री के अंदर अगर चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको प्रॉपरली एनालाइज करनी होती है और उसके बेसिस पर आप अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ को प्रॉपरली डिटरमाइन कर लेते हो स द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटीज फॉर द मैट्रिक्स यानी कि आपने इंडस्ट्री एट्रेक्टिवनेस को भी प्रॉपरली एनालाइज कर लिया है एवेल्युएट कर लिया है और उसके साथ साथ अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ को भी इवेल्यूएट कर लिया है अब आपको क्या करना है मैट्रिक्स में एस बी यूज को प्लेस करना है कि आपकी जो एस बी यू है वो आपके एनालिसिस के बेसिस पर मैट्रिक्स में किस पर्टिकुलर पोजिशन में लाई करती है और उसके बेसिस पर जो कंपनीज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को फॉर्म कर सकती हैं यानी कि जैसी मैट्रिक्स में एस की पोजिशन डिटरमाइन होगी उस पोजिशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को फोकस किया जा सकता है बाय द कंपनीज और इसके रिकॉर्डिंग तीन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया गया है पहली है ग्रोह यानी कि ग्रीन जोन यानी कि अगर आपकी एस या फिर जो आपका प्रोडक्ट है वो अगर ग्रीन जोन में एस्टेब्लिश हो जाता है आफ्टर योर एनालिसिस तो इसका एक क्लियर इंडिकेशन है और वो कहता है गो अहेड टू ग्रो एंड बिल्ड पुस योर प्रोडक्ट या और पुस योर सेल्फ थ्रो एक्सपेंसि स्ट्रेटजीज यानी कि अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए यानी कुल मिला के एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को यहां फोकस किया जाना चाहिए और मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को गेन करने के लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए तो ये है आपकी ग्रीन जोन या फिर ग्रो स्ट्रेटजी सेकेंड स्ट्रेटजी सजेस्ट की गई है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के द्वारा जिसे हम बोलते हैं होल्ड स्ट्रेटजी यानी कि येलो जोन यानी कि अगर आपका जो एस है वो अगर येलो जोन में एस्टेब्लिश हो जाती है येलो जोन में लाइक like करती है तो इसका मतलब है आपको होल्ड स्ट्रेटजी को फोकस करना है होल्ड का मतलब है वेट एंड सी ना तो आपको डाइवेस्टमेंट करना है और ना ही इन्वेस्टमेंट करना है जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उतने ही इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉप कर देना है और आपको अब केवल और केवल, केवल वेट करना है मोस्ट प्रॉफिटेबल चांसेस का और जब तक वो चांसेस नहीं है तब तक जिस तरीके से वर्किंग फॉलो की जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखते हो यानी कि ये एक स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है और तीसरी स्ट्रेटजी है इसके अंदर दैट इज नोन एज द हार्वेस्ट यानी कि दैट इज द रेड जोन यानी कि अगर आपके एस बी यू रेड जोन में लाई करती है आफ्टर योर एनालिसिस तो इसका मतलब है कि आपको हार्वेस्ट स्ट्रेटजी को फोकस करना चाहिए यू हैव टू एडोप्ट टर्न ओवर स्ट्रेटजीज ऑफ डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन और रीबिल्डिंग अप्रोच यानी कि आप के लिए वो प्रॉफिटेबल चांसेस क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं वी विल डिस्कस द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर द मैट्रिक्स यानी कि आपने इंडस्ट्री एट्रेस को भी प्रॉपरली एनालाइज कर लिया है इवेल्यूएट कर लिया है और उसके साथ साथ अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ को भी इवेल्युएट कर लिया है अब आपको क्या करना है मैट्रिक्स में एसबीयू को प्लेस करना है कि आपकी जो एसबीयू है वो आपकी एनालिसिस के बेसिस पर मैट्रिक्स में किस पर्टिकुलर पोजीशन में लाई करती है और उसके बेसिस पर जो कंपनीज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को फॉर्म कर सकती हैं यानी कि जैसी मैट्रिक्स में एस की पोजीशन डिटरमाइन होगी उस पोजीशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को फोकस किया जा सकता है बाय द कंपनीज और इसके अकॉर्डिंग तीन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया गया है पहली है ग्रो यानी कि ग्रीन जोन यानी कि अगर आपकी एस या फिर जो आपका प्रोडक्ट है वो अगर ग्रीन जोन में एस्टेबलिश्ड हो जाता है आफ्टर योर एनालिसिस तो इसका एक क्लियर इंडिकेशन है और वो कहता है गो अहेड टू ग्रो एंड बिल्ड पुश योर प्रोडक्ट या और पुश योर सेल्फ थ्रो एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज यानी कि अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए यानी कुल मिला के एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को यहाँ फोकस किया जाना चाहिए और मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को गेन करने के लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए तो ये है आपकी ग्रीन जोन या फिर ग्रो स्ट्रेटजी सेकेंड स्ट्रेटजी सजेस्ट की गई है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के द्वारा जिसे हम बोलते हैं होल्ड स्ट्रेटजी यानी कि येलो जोन यानी कि अगर आपका जो एस बी यू है वो अगर येलो जोन में एस्टेब्लिस्ड हो जाती है येलो जोन में लाइक करती है तो इसका मतलब है आपको होल्ड स्ट्रेटजी को फोकस करना है होल्ड का मतलब है वेट एंड सी ना तो आपको डाइवेस्टमेंट करना है और ना ही इन्वेस्टमेंट करना है जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उतने ही इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉप कर देना है और आपको अब केवल केवल वेट करना है मोस्ट प्रॉफिटेबल चांसेस का और जब तक वो चांसेस नहीं है तब तक जिस तरीके से वर्किंग फॉलो की जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखते हो यानी कि यह एक स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है और तीसरी स्ट्रेटजी है इसके अंदर एज द हार्वेस्ट यानी कि दैट इज द रेड जोन यानी कि अगर आपके एस रेड जोन में लाई करती है आफ्टर योर एनालिसिस तो इसका मतलब है कि आपको हार्वेस्ट स्ट्रेटजी को फोकस करना चाहिए यू हैव टू एडोपर स्ट्रेटी और रीबिल्डिंग अप्रोच फर्म लगातार लॉस को इनकर कर रही है और इसी वजह से इसको डायवेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फोकस करना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री की एट्रेक्टिवनेस मीडियम से लोग की तरफ मूव हो रही है और जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो भी मीडियम से Low की तरफ मूव हो रही है या वीक की तरफ मूव हो रही है यानी कि अब फॉर्म लूज या लॉस मेकिंग यूनिट में कन्वर्ट हो चुकी है और बेटर है कि वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपने आप को पैकअप कर दे और जो प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज हैं उस तरफ वो मूव कर जाए तो हम इसे बोलते हैं हार्वेस्ट इंड स्ट्रेटजी ओके तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इन तीन स्ट्रेटजीज में से अपनी एसबीयू की पोजीशन के बेसिस पर एक स्ट्रेटजी को प्रॉपरली सेलेक्ट कर सकती है ओके थैंक यू